हेलो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए आपके पास इसका पूरा सेकेंड कोर्स से पेंटिंग को कंप्लीट करके दिखाने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू एंड थोड़ा सा लिटिल बिट मॉव लेके और इंडियन रेड को लेके मैंने 4-8 पूरा हेयर की तरफ से मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और एक ही जगह पे कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ईजी होगा समझने के लिए। आप देखिए इंडियन रेड, इंडियन येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, लिटिल बिट मॉव और थोड़ा सा ईजी नीचे की तरफ मैं मॉव दिया, ऊपर की तरफ स्किन का चीक का ऊपर मैंने ऑरेंज कलर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट रखा मैंने। मेन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस बच्चे का जो एक्सप्रेशन है और उसका कलर्स जो है, बॉडी का जो स्किन का जो टोन है वो मैं दे रहा हूँ। और इनकी जो रूरल फैमिली का बच्चा है, इसका अंदर इतना सुंदर क्यूट से कलर है। और सबसे मेन मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जो मेरा जो फोकस है, इस फोकस पे मैंने बच्चे को एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ। और बच्चे को एक्सप्रेशन दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है इसमें, और मेन फोकस इस बच्चे ही है। और अभी 4-8 से दो जो मैंने टोन दिया, और ये जो आप टोन देख रहे हो ना, ये ना पूरा ड्राई करके नहीं, हल्का गीला में ही मैं इसको कर रहा हूँ, जिसमें हर कलर्स इसके साथ मर्ज हो जाए। ये एक्चुअली मेरे ही स्टाइल है और आपको अच्छा लगेगा। अभी आईज़ में थोड़ा सा डिटेल करके, कलर्स में करके, इसमें आप देखेंगे मैं फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट तीनों कर रहा हूँ, और पूरा हल्का हल्का गीला में ही। पूरा ड्राई होने के बाद मैं जहाँ पे मुझे नीडेड होगा, जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगा, वहाँ पे मैं फिनिशिंग टच दूँगा। ये जैसा भी पूरा ड्राई है, अभी इसमें मैं आईज़ को और नोज़ के नीचे, नोज़ वाला लिप्स मैं बना रहा हूँ, लिप्स के नीचे की थोड़ा दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा करने के बाद फिर से मुझे वो ऑरेंज कलर, थोड़ा सा इंडियन रेड देगा ऑरेंज कलर से, मैं फिर से चीक की तरफ से मैं इसका टोन वेरिएशन लेके आऊँगा। ये देखिए मैं टिप्स का पूरा ऑरेंज कलर से पूरा जो एक ओवल शेप है, मतलब ये जो गालों में एक सॉफ्टनेस है, हार्डेस्ट कलर है, स्किन डार्क स्किन कलर है, फिर उस बीच में थोड़ा सॉफ्टनेस भी रखना पड़ेगा। अब सीधा मैंने हेयर की तरफ मैं कलर दे रहा हूँ, और ये ऊपर ना सनलाइट आ रहा है पूरे हेड के ऊपर, तो थोड़ा सा रोशनी योली इफेक्ट्स उसका हेड के ऊपर से थोड़ा सा है, मतलब हेयर के ऊपर से पूरा हेयर का जो डार्क टोन है वो करने के बाद मैं थोड़ा सा हेयर में उसमें डिटेल कर दिया। अब बिल्कुल उस तरफ से थोड़ा सा हल्का और हल्का सा पेंस ग्रे से मैंने डार्क टोन दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे मेन चीज़ होता है कि मेरा पैलेट भी एक ही बॉक्स में हर कलर्स में मिक्सिंग कर रहा हूँ, स्किन का टोन हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो हेयर का कलर हो, एक ही जगह से। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से फिर से दोबारा मैंने बैकग्राउंड में हल्का सा कलर्स दिए, जिसमें इस पोर्ट्रेट को, ये जो फेसेस है ये पूरा उभर के आ जाए और एक 3D फील हो। एक है कि जो 3D फील करने के लिए ना, ये इस तरह आपको टोन वेरिएशन देना पड़ेगा। अब लास्ट में देखिए मैं थोड़ा सा जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा अपने इसकी ज़रूरत है वहाँ पे मैंने कर दिया, हल्का सा ब्लेड से ना मैंने कटआउट कर दिया, मतलब वाइट यूज नहीं कर रहा हूँ। दो चार जगह पे ना थोड़ा सा मेरा कलर घुस गया, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो बाद में लास्ट में हो सकता है मुझे थोड़ा सा वाइट देना पड़े, अभी नहीं, अभी मैं बाद में देखूँगा। अभी देखो हैंड में देखिए, एक तरफ से डार्क है, थोड़ा सा ब्लूइश है, उसका हाथ में चुड़िया है, उसको छोड़ के मैं ब्लू और ये इंडियन येलो और इंडियन रेड तीनों मिला के मैं एक ही जगह से कलर ले रहा हूँ। आप देखेंगे एक ही जगह से मैं कलर मिक्सिंग कर रहा हूँ, ये खासियत है। लेकिन हर कलर्स डिवाइडेड आप देख पा रहे हो, ये नहीं कि पूरा मिक्सिंग हो रहा है, जिसमें हर कलर्स आपके पास पूरा इंडिविजुअली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी कलर सब मिक्सिंग टुगेदर, सबके साथ मिक्स करके वो कलर के साथ है। तो बच्चे का हैंड में जो कलर्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, और फिर इसके बाद हल्का सा ड्राई हो जाए फिर थोड़ा सा फिनिशिंग कर देंगे। अभी मैं इसकी राइट हैंड में कर रहा हूँ बच्चे का, जो है वो थोड़ा वही सेम कलर में है, ऊपर से थोड़ा डार्क है, नीचे की थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा टोन है। अब तीनों ये जो पूरा हाथ हैंड को मैं कर रहा हूँ, और ये हैंड कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा हल्का अभी मैं इसका स्किन में पूरा टोन दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेंसिल से डार्क टोन दे रहा हूँ मैं। अभी मुझे ये थोड़ा सा हल्का जो चूड़िया है उसमें मैं थोड़ा सा हल्का डार्क टोन देकर उस चूड़ी को मैं निकल रहा हूँ। अब मेरा दोनों हाथ हो गया, फेस हो गया, हाथ में थोड़ा सा हल्का सा कलर स्ट्रोक देकर फिंगर में, ये दोनों हाथ भी कंप्लीट है और फेस भी कंप्लीट है। अब मैं आ रहा हूँ इस शॉट में,
शर्ट में देखिए थोड़ा सा ना वही सेम कलर्स में ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल आपको अलग लगेगा स्किन में जो कलर दे रहा हूँ, और उसके साथ में थोड़ा उसी जगह से ही मैं हल्का सा घुमा फिरा के रेड कलर थोड़ा सा उसका बाजू वाला जो है वो रेड कलर में है, और इस साइड में भी दिखाऊंगा। तो जो फोल्ड है कपड़े की जो फोल्ड है वो भी आप देख पा रहे हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा ना कपड़े में तो डिटेल नहीं करता हूँ, आप सबको पता है, मैं पहले वर्क पे भी देखा आपने, क्लॉथ में डिटेल नहीं है पर फिर भी आपको डिटेल फील होता है। यहाँ पे भी इस बाजू में भी वही ऑरेंज रेड दोनों इसका जो शर्ट का कलर है ये करके थोड़ा सा स्प्रे टाइप थोड़ा सा स्कोट स्ट्रोक टाइप मैं देता हूँ क्लॉथ में, और इसका कपड़े का फोल्ड भी होना चाहिए और रिदम भी होना चाहिए एक अच्छा, तो इतना खासियत नहीं है। अब मैं उसका बच्चे का जो बैक पोर्शन, इसमें पैंट ही नहीं पहना है, बहुत ये नंगा है ना, इसका जो डायमेंशन है मतलब इसका जो पुदू का जो डायमेंशन है ये बड़े अच्छा मजा से लेना पड़ेगा, बड़े क्यूट सा करना पड़ेगा, जिसमें पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत प्यारा लगेगा, ऐसा लगेगा आपको पपी देने का मन करेगा, ऐसे मैं इसको बनाऊँगा। और ये जो दो छोटा छोटा देख रहे हो ना ये उसका लोहे का होता है, ये गांव में विलेज में दिखाया जाता है। अब इसमें मैं व्हाइट छोड़ के उसका डिटेल कर रहा हूँ, ये लोहे का होता है धागा के साथ, काला धागा के साथ। वो पंडित जी बताता है ये बच्चे का पहना दो नहीं तो भूत प्रेत कोई नहीं आएगा, बच्चे डरेगा नहीं, इतना अंधविश्वास दुनिया में। तो ये विलेज में दिखाया जाता है, थोड़ा सा उसमें रखा हुआ। तो इसका जो डायमेंशन है कलर वेरिएशन है उसमें मुझे वो सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा, और पापा का कंध में बैठा हुआ है आप देखो उसका, ये कंप्लीट हो गया और थोड़ा सा हल्का। अब मैं इस पापा का हेयर में कर रहा हूँ, अब पेपर को मैं थोड़ा सा साइड कर दिया आपको डिटेल देखा समझने के लिए। ये हेयर में करके ना अभी मेन बच्चे में जितना फोकस मैंने किया है, जो कलर्स कम्बिनेशन में जो मैंने एक लाइट फोकस रखा, इनकी फादर की ना चेहरे में मैं लाइट फोकस रखूँगा ज़रूर, लेकिन एक डार्कनेस में दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेन फोकस उस बच्चे की तरफ ज़्यादा जाए। अब हेयर में ऊपर में जो कलर्स होता है को गैम्बोच और थोड़ा सा ये कलर करके प्रिंस ग्रे और थोड़ा सा हल्का ब्लू कलर करके मैंने ऊपर की तरफ जो सनलाइट आया ना तो उस पापा के चेहरे पर हुड के ऊपर भी आएगा, तो इसलिए मैंने दिया नीचे ब्लूइश टोन है जहाँ पे पूरा डार्क टोन आएगा, और इन बिटवीन की डार्क टोन में आपको थोड़ा सा ब्लू को टोन दिखाई दे। अब फेस पे भी कलर कर रहा हूँ सेम जो कलर्स है, थोड़ा सा मॉप गर्दन में नेक की तरफ थोड़ा सा डार्कनेस है, इंडियन रेड मॉप, थोड़ा सा हल्का वर्मिलन भी है इसके साथ, थोड़ा वर्मिलन भी ले रहा हूँ मैं क्योंकि हल्का डार्कनेस में ना थोड़ा सा एक जो कॉपर टाइप कलर होता है इनका जो बॉडी में जो आप मैं बिल्कुल सही बोला, एक कॉपर टाइप थोड़ा सा इसमें डार्कनेस कलर है, तो अगर मैं इसका फोकस ना करूँ ज़्यादा लाइट फोकस ना करूँ तो मुझे इस तरह कलर देना पड़ेगा। बट हिज ईयर जो मैं थोड़ा सा इनका कान में जो थोड़ा सा हाईलाइट है वो मैंने रखा थोड़ा सा हल्का सा शेडो में। आप लोगों ना जो सबसे मेन चीज़ है सीखने में कि किस तरह स्ट्रोक दिया जाता है, किस तरह कलर वेरिएशन किया जाता है, ये बहुत कुछ ये सब चीज़ पार्ट आपको सीखने को बहुत मिलेगा, कौन सा स्ट्रोक के बाद किस पार्ट के बाद मैं कौन सा पार्ट करना ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आएगा। ये सब चीज़ ऑब्जर्वेशन और बिना देखे तो हम बहुत उतना ज़्यादा फास्ट नहीं सीख पाते हैं, और मैं वो वाला वर्क नहीं करता जिसमें बिल्कुल बकवास होता है लेकिन व्यूअर्स और लाइक्स बहुत ज़्यादा होता है, कुछ नहीं होता है उसमें ऐसे शॉर्टकट में बच्चे जैसे ऐसे काम दिखाऊँ तो मेरा व्यूअर्स लाइक बहुत बनेगा, पर मैं नहीं चाहता हूँ। जिसको आर्टिस्ट का जो मेरा जो अपना एक प्लेटफॉर्म है मैंने जो आज तक इतना सालों में बनाया वो खराब हो जाएगा, तो जो आर्टिस्ट है जिनको सीखने को मन करता है वो ज़रूर मेरा फॉलोअर बनेगा और मेरा वर्क सीखेंगे, तो उसके लिए मैं हूँ, उनके लिए मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो आप लोग सीखो मेरे साथ जुड़े रहो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए शर्ट के साथ में जो टी शर्ट में है इसमें इनका थोड़ा सा इस फादर की जो एक मतलब एक कैरेक्टर है जो आपका स्ट्रगल लाइफ है जो लोग बोलता है खून पसीना एक करके ज़िंदगी में बनता है, तो वो एक कैरेक्टर में उसका टी शर्ट में वो आप इतना ब्यूटीफुल ना बना के मैं थोड़ा सा हल्का डार्कनेस का अंदर उसका बॉडी के साथ कलर करके
पूरा वेरिएशन लेके आ रहा हूँ एक उसमें स्टोक के साथ। तो टी शर्ट में उतना ज़्यादा कोई डिटेल नहीं होगा, पर एक लाइट एंड शेडो का एक इफेक्ट होगा और उसका पेंटिंग का जो कैरेक्टर है, उसका फादर का जो कैरेक्टर है, वो उसका साथ रहेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट मेरा लगभग हो गया। अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, बैकग्राउंड में भी थोड़ा सा कलर कर रहा हूँ। इस साइड में मैं थोड़ा सा वो चीज़ में करना चाहता हूँ, हल्का डार्कनेस में फोकस जो है पूरा बिल्कुल फ्रंट पे है। अभी पूरा बच्चे का लाइफ देखिए, फादर्स की लाइफ देखिए, दोनों चीज़ है आपके सामने और पूरा क्लियर है। इसमें इतना ज़्यादा डिटेल कहने की ज़रूरत नहीं होगा। आप मेरा स्ट्रोक का मेरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं लेके जा रहा हूँ। आप लोग इसी तरह मेरे साथ रहिए और कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो 100% आप मुझे इसमें कमेंट्स में बताइए कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर जगता है, अगर आपको सीखने को अगर मन करता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। एक्चुअली मैंने बहुत सालों बाद बहुत लेट में, मेरा मतलब एक जगह तक मैं आने के बाद मैंने यूट्यूब ये चैनल खोला है और काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट के साथ कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए सर। तो मैंने इसलिए बनाया, अगर बहुत पहले लॉकडाउन के टाइम अगर बनाता बहुत अच्छा होता। ठीक, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।